मैनपुरी के करैल में ऑपरेशन जागृति के तहत बुधवार को कोतवाली करैल स्थित सेंट जीडी स्कूल गांव धोवई और गोटपुर में प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल सिंह और यूनिसेफ के अनिल कुमार और अमरेंद्र यादव, क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने छात्राओं को जागरूक किया। कहा कि बच्चों को मोहरा बनाकर लोग झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जबकि मामले पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, नाली विवाद के होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को कहा कि वह मोहरा न बने। प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल सिंह ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, डायल 112 और 1090 जैसी हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी। क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने साइबर क्राइम से बचने के लिए बच्चों को जागरूक किया। इस मौके पर कल्पेंद्र भारती, सीमा त्रिपाठी, शिवम दुबे, फारूक समेत स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। अपराध नहीं होंगे, इनका बढ़ने का मूल कारण क्या है? कि हम लोग पहले सामूहिक परिवारों में रहते थे, घर में 20-20, 30-30 लोग होते थे, घर की महिलाएं और बुजुर्ग प्रत्येक दिन आपस में बात करते थे। अगर स्कूल जाती थी तो मैम बताएंगी हम लोग ग्रुप में जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता था, और अगर कोई किसी से बदतमीज करता था तो वो लोग सब ग्रुप में शोर मचा देते थे, इसलिए सुरक्षित रहते थे। आपने देखा होगा, आप देखते होंगे एनिमल्स वगैरह को, जो अकेले छूट जाते हैं उन्हीं का शिकार करता है ना, कोई भी करता है, ग्रुप में नहीं होता ना। जब ग्रुप में होते हैं तो हमसे कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता ना। तो कृपया करके ग्रुप में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने माता पिता, दादी बाबा जिनको हम छोड़ चुके हैं, ये अपराध जब से बड़े हैं, जब से हमने अपने दादी बाबाओं से बात करना, पहले कैमरे नहीं होते थे, हमारे जो दादी बाबा हैं उनकी आंखें ऐसी होती थी कि उनको बहुत तजुर्बा था, अच्छे बुरे को पहचान लेते थे और गली मोहल्लों में बता देते थे कि ये निकम्मा लड़का है, तुम बात मत करो। इसलिए बेटे, सब परिवार, सब विवाद, चाहे वो परिवार विवाद हो, चाहे महिला से संबंधित विवाद हो, चाहे बच्चियों से संबंधित विवाद हो, इस सब जड़ की, इन सब विवादों की जड़ हमारा अपना बुजुर्गों से संपर्क न करना। आजकल माँ बाप सब लोग फोन पर इतने बिजी हो गए हैं, जब झूठे मुकदमे हैं, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि अक्सर अपनी लड़कियों को आगे कर देते हैं। क्या जब झगड़ा होता है जमीन का, आप लोग गांव से जुड़े लोग होंगे, क्या वहां 10-20 लोग नहीं होते? क्या ऐसी परिस्थिति में कोई चाचा अपने छोटे भाई की पत्नी को छेड़ेगा? क्या कोई चाचा का लड़का ताऊ की लड़की को छेड़ेगा? क्या कोई किसी के पैसे निकालेगा? क्या कोई किसी के कुंडल निकालेगा? ये सब अनावश्यक है। कृपया अपना भविष्य सुरक्षित रखें, पढ़े लिखे, अपने माँ बाप से कहें कि आपकी मेड़ बने ना बने, आपका जमीन का विवाद निपटे ना निपटे, लेकिन हम अपनी इज्जत आबरू से खिलवाड़ नहीं करेंगे। और आपके साथ व्यक्तिगत अगर कोई अपराध होता है तो उसे छिपाएं ना, बताएं। बच्चों के लिए दो नंबर, महिला और बच्चों के लिए दोनों आप कोई भी यूज कर सकते हो, 10-94 भी कोई दिक्कत नहीं, 10-98 भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूज कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा है सुरक्षित अपने परिवार के साथ रहिए, अच्छे रहिए, अपने पढ़िए, अपने दादा बाबा से बात करिए, अच्छे से पढ़िए, देश का नाम